अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कहने को तो बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, मगर उन्हीं बच्चों के हाथ में किताब की जगह झाड़ू आ जाए तो जरा सोचिए उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा। ऐसे ही एक तस्वीर सामने आई है ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली मनपा स्कूल नंबर 86/2 की, जहां पढ़ाई करने गए बच्चों से शौचालय की सफाई करते नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए, जिस स्कूल में माता पिता बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं और उसी स्कूल में बच्चों से शौचालय की सफाई करवाई जाए तो क्या कहेंगे आप। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं इसे अपने मोबाइल में समाज सेविका सुजाता चौहान ने कैद किया है। सुजाता का कहना है, जब वो स्कूल पहुंची तो बच्चों को शौचालय की सफाई करते देख दंग रह गई और बच्चों की वीडियो मोबाइल में कैद कर ली। हालांकि सुजाता चौहान ने स्कूल के मैनेजमेंट से बात की है, क्या बताया इस पूरे मामले में समाज सेविका सुजाता चौहान ने, आप सुने। मैं अखिल भारतीय उपभोक्ता संगठना महाराष्ट्र प्रदेश सचिव और नंदाताई वासकी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, इनके थ्रू हम स्कूल में कल मैं गई थी तो उधर मेरे को बच्चे कुछ टॉयलेट साफ करते हुए दिखे तो मैंने उनसे पूछा और मेरे मोबाइल में उनका वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर किया और उनको मैंने बोला कि आप ये रोज करते हो क्या, तो बच्चे बोले हम करते हैं, रोज करते हैं। वो बोले आपको किसने बोला है क्या, तो बोले आप लोगों को शिक्षक लोगों ने बोला है करने के लिए, ऐसा वो बोले। फिर बाद में मैंने गुप्ता मैडम प्रिंसिपल जो मुख्याध्यापक है स्कूल की, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हमको स्कूल के लिए सिक्योरिटी भी नहीं है और इधर सफाई कामगार भी नहीं है। तो मैं बोला आपने उसको प्रशासन को कुछ लेटर दिया है क्या, तो बोले आपने किया है लेकिन अभी तक हमको कुछ उनसे सहायता नहीं मिली है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।